सो है गाइस, तो फ्री फायर में कोई भी ऐसा प्लेयर नहीं हुआ जिसको अच्छा गन मिले एंड वो खराब गन चलाए। तो आज मैं वही करने वाला हूँ जो कि क्लैश स्क्वाड में बहुत ही कम यूज करने वाला गन में यूज करने वाला हूँ। एंड मेरे को तो नहीं पता क्या होने वाला है, क्योंकि अच्छा गन चलाने के बाद थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी है एंड स्किल भी बढ़ता है, तो मेरे को वो बढ़ाने का नहीं। कोई कोई प्लेयर तो भाई ऐसा गन होता है जो चलाता ही नहीं, लिटरली कभी क्लैश स्क्वाड में चलाया ही नहीं। तो मैं भी उसमें शामिल हूँ जो कि मैं बहुत ही कम गन चलाया हूँ एक्स्ट्रा, वरना तो मैं MP40 वगैरह ही चलाता हूँ अधिकतर, जो कि बहुत ही मजा आता है, बट मेरे को नहीं पता क्या होने वाला है। उससे पहले दोस्तों, जो जो मेरे चैनल पे न्यू हो चैनल को सब्सक्राइब करना एंड लाइक करना, तो आप लोग यहाँ पे देख लो मेरा गन का ग्लोरी कितना है एंड आप लोग को इससे पता चलेगा मैं कौन सा गन सबसे कम चलाया। तो ये वाला देखने के बाद मैं तो मैच स्टार्ट कर देता हूँ। मैच स्टार्ट होने के बाद यहाँ पे मेरे पास WSP एंड M500 था, जो कि मेरे को M500 ही लेना था क्योंकि चॉइस तो दो ही था एंड मैं बहुत ज्यादा WSP चलाया हूँ, तो मेरे को M500 मिल जाता है। एंड आई डोंट नो गाइस क्या होने वाला है, क्योंकि फर्स्ट राउंड है जो कि मैं तो यहाँ पे अकेला जा रहा हूँ, बट मेरे को तो नहीं पता यहाँ पे क्या होने वाला है। एंड करेक्टर वगैरह तो मेरे पास सही है, और जैसे फर्स्ट टाइम मैंने फायर किया एंड एक को डाउन कर दिया, लिटरली मेरे को पता नहीं था। एंड यहाँ पे भाई प्लेयर काफी ज्यादा था, जो कि फिर से ट्राई किया एंड एक को हेड लग गया। अब हेड तो लग गया लेकिन वहाँ पे डिविटर था जिसके कारण वो रिवाइव होने वाला है, बट इसको मैं काफी डैमेज दे रहा हूँ एंड लास्ट गोली मार के इसको तो डाउन कर दिया, जो थोड़ा मेरा नेट प्रॉब्लम था। एंड मेरा यहाँ पे किल एक आता है एंड देखो यहाँ पे रिवाइव हो रहा था जिसको मैंने मारने के बाद मेरा यहाँ पे 3 किल हो गया था। एंड ये होने के बाद गई मेरे को लगता भाई एक ही प्लेयर है जो कि मैं मार दूंगा। अब उसको तो ढूंढ ही रहा था इधर उधर, लेकिन अभी तक मेरे को प्लेयर नहीं मिला है। तो मेरा फ्रेंड को जैसे दिखता है मैं फटाफट सामने जाता हूँ, क्योंकि वहाँ पे एंड मेरे को नहीं पता उसके पास साइज था, तो मेरे को जैसे राइट साइड दिखा था मैं लेफ्ट साइड से गया एंड करेक्टर भी ऑन कर लिया डर के मारे, बट यहाँ पे मेरे को हेडशॉट मार दिया जो कि कोई काम का नहीं कर, मैं पे एस नहीं हो पाया एंड 3 किल में ही मेरा रह गया था और मेरा फ्रेंड ने मिलके उसको मार दिया, जो कि मेरा फर्स्ट राउंड यहाँ पे हो जाता है। नेक्स्ट वाले राउंड में जो कि मेरे को SKS मिलता है एंड इससे मैं मारने वाला हूँ, जो कि मैं बहुत ही कम SKS भी चलाया हूँ। तो एक को जैसे डाउन किया, तो एक डाउन होने के बाद मेरे को लगता है भाई प्लेयर और होगा जो कि अभी तो नहीं है। जैसे इधर जंप किया प्लेयर तो मेरे को दिख जाता है एंड इसको काफी डैमेज देने के बाद इसको तो मैं डाउन कर देता हूँ, दो बंदा डाउन हो जाता है। इस बार भी मेरा यहाँ पे किल अच्छा खासा होने वाला था, लेकिन मेरा फ्रेंड सब आगे आ गया था एंड मैं जैसे ही गया यहाँ पे एक भी प्लेयर नहीं दिखा है। तो अभी तो मैं एक एक करके जा रहा हूँ सामने, जो कि अभी तो मेरे को प्लेयर नहीं दिखा एक भी, तो फटाफट मैं अपना किल लेने वाला हूँ, जो कि यहाँ पे तो मेरा एक रिवाइव हो गया और मेरा एक किल नहीं हो पाया, तो एक किल मेरा चोरी हो गया था। जो देखते थे यहाँ पे मैंने एक कोड डैमेज दिया, बट कोई फायदा नहीं हुआ, मेरा फिर से किल चोरी हो गया, बट यहाँ पे मेरा 2 राउंड हो जाता है। एंड अब लास्ट वाले राउंड में जो कि मैं चार्ज बूस्टर लेता हूँ, लिटरली भाई इसका ग्लोरी भी मेरे पास नहीं है और देखते थे मेरे को खुद में एलिमिनेट हो गया। अब आई डोंट नो मेरे को पता ही नहीं था भाई यहाँ पे कब एयर ड्रॉप गिर गया, जो कि मैं तो मर गया एंड देखते थे मेरा फ्रेंड सबको मार दिया था, जो कि मेरा यहाँ पे बोया भी हो जाता है। एंड लिटरली भाई ये वाला मैच में मेरा काफी किल चोरी होता, बट हाँ फर्स्ट टाइम था जो बहुत ही अच्छा लगा एंड लो गन भी चलाने के बाद अच्छा खासा मेरा किल हो जाता, जो कि बहुत ही मजा आता है। अब इस वाले मैच में जो कि मेरे पास मिनी यूज था, जो कि मैं बहुत ही कम चलाया हूँ, लेकिन मेरा नेट ही प्रॉब्लम इतना गंदा चल गया था, आई डोंट नो कब मैं मरा वो भी मेरे को पता नहीं चला, जो कि मैं तो मर गया लेकिन मेरा फ्रेंड सब यहाँ पे राउंड निकाल लेते हैं। एंड मिनी यूज में बहुत ही कम चलाया, तो मैं यहाँ पे मिनी यूज तो लेता हूँ बट मेरे से कुछ होता नहीं है, मेरा नेट ही चला गया था एंड काफी टाइम तक ऐसे ही होता, तो फटाफट मैं एरोप्लेन मोड करता हूँ एंड वापस आता तो मेरा नेट थोड़ा सा चलने लगता है। नेट तो आता है लेकिन उससे पहले मेरा फ्रेंड सब मर जाता है, जो कि मैं तो यहाँ पे ग्रेनेड करने वाला हूँ एंड लिटरली भाई ग्रेनेड तो कुछ काम का नहीं है एंड यहाँ पे वो कितना डैमेज दिया बंदे को बट कुछ काम का नहीं हुआ और मेरे को तो यहाँ पे डाउन कर दिया। देखो डाउन में कहाँ पे हुआ एंड में कहाँ तो चला गया था, तो नेट के प्रॉब्लम से मैं बहुत ही कम खेल पा रहा था, जो कि मेरे वजह से एक राउंड और हार जाते हैं हम। अब नेक्स्ट वाले राउंड में जो आप लोग कमेंट मत करना कि ये शॉटगन क्यों लियो, क्योंकि मैं शॉटगन में बहुत ही कम चलाया हूँ, क्योंकि आप लोग वीडियो में बहुत ही कम देखते होंगे मेरे को चलाए हुए। एंड यहाँ पे एक प्लेयर आ गया था एंड इसको तो डाउन किया, जो कि मेरा नेट का प्रॉब्लम से थोड़ा सा लेट से डाउन हुआ बट कोई बात नहीं। एंड ये डाउन हो जाने के बाद फटाफट मेरा फ्रेंड भी एक डाउन हो जाता है, जो कि 2 vs 1 का सेवन हो जाता है एंड काफी डैमेज दिया प्लेयर को, जो कि भाई इसका सोनिया एक्टिव हो गया था एंड देखते थे मेरे को तो डैमेज दे दिया, बट दोनों प्लेयर रश कर दिया, जो कि मैं यहाँ पे नहीं संभाल पाया एंड 2-2 का सेशन हो जाता है। अब देखो सामने वाला प्लेयर का 3 राउंड हो जाता है, जो कि अब तो डिफिकल्ट होने वाला था, बट यहाँ पे मेरा नेट भी इतना ही गंदा जा रहा था, जो कि मैं प्लेयर को तो डैमेज नहीं दे पाया एंड बाद में डैमेज लग रहा था, जो कि मेरे को पीछे से कब मेरे मार दिया पता ही नहीं चला एंड मैं तो मर जाने वाला हूँ मेरे को लग रहा था, बट यहाँ पे बचा भी सकता है मेरे को फ्रेंड वो नहीं था। देखो यहाँ पे बचा ही रहा था लेकिन यहाँ पे एक प्लेयर आ गया एंड मेरा फ्रेंड चलाया था, जो कि मेरे को लगता भाई बचा नहीं पाएगा एंड देखते थे भाई मेरा प्लेयर सब 2 प्लेयर को डाउन करता है, एक को फिनिश भी कर देता है, तो मेरे को यहाँ पे रिवाइव मिल जाता है, जो कि मेरा फ्रेंड को जैसे ही डाउन किया ना 2 vs 2 का सेवन हो जाता है। एंड जैसे मैं पीछे जाता हूँ कि मेरा फ्रेंड को बचाने के बाद मेरे को लगता है इधर आना चाहिए एंड मैं भाई फट से बच जाता हूँ और 1 vs 3 का सेवन होता है, जो कि अब लगता है भाई हाँ हमारा राउंड होने वाला है। और जैसे सामने जाता हूँ मेरा फ्रेंड सब वहीं पर रश करने वाला, बट अभी तक एनिमी मिला नहीं है, तो मेरे को पता चल जाता भाई नीचे तो नहीं है एनिमी, ऊपर है एंड मेरे पास यहाँ पे ग्रेनेड है, तो फटाफट मैं ग्रेनेड को करता हूँ, लेकिन उससे पहले वो भाई देखो एक बॉक्स फोड़ देता है, जो कि
काफी डैमेज दिया एंड ग्रेनेड से मार दिया, यहाँ पे 3-3 का 7 हो जाते हैं। अब ये बिल्कुल फाइनल राउंड होने वाला है जो कि मैं ग्रेनेड को करने वाला हूँ एंड यहाँ पे मेरा परफेक्ट ग्रेनेड होता है जो कि हर बार होता है। तो देखो कितना डैमेज दिया एंड फ्लैश हो तो उससे भी ज्यादा डैमेज लगा बट यहाँ पे वो कोई भी डाउन नहीं हुआ एंड देखो एक एक करके जा रहा सामने। तो अभी तो थोड़ी देर में यहाँ पे वेट करता हूँ, मेरा फ्रेंड सब भी धीरे धीरे करके वेट कर रहा था। अब देखते देखते भाई देखो यहाँ पे क्या होता है, हम लोग 3 प्लेयर बाकी रहते हैं, सामने का पूरा स्क्वाड जो कि हम लोग ऊपर फंस गए थे एंड नीचे ये जोन बनने वाला था तो मैं तो इधर जाने वाला हूँ लेकिन भाई फंस चुका था पूरे के पूरे एंड एक प्लेयर आ गया जो काफी डैमेज दिया बट कुछ हुआ नहीं, मेरे को यहाँ पे डाउन कर दिया लेकिन मेरा फ्रेंड आके फटाफट मेरे को रिवाइव देते हैं एंड यहाँ पे देखो भाई वो मेरे को देखता है नहीं जो कि काफी डैमेज दिया एंड वो मर जाता। फाइनली ये हमारा बोया हो गया, लिटरली भाई बोया का चांस नहीं था बट हाँ लकीली बोया हो जाता है और यहाँ पे हमारा स्ट्रिक भी 7 का होता है। अब इस वाले मैच में जो कि यहाँ पे मेरे पास डायरेक्टिकल आ जाता है एंड ये भी मैं बहुत ही कम चलाता हूँ जो कि देखो भाई सामने गया एंड लिटरली भाई बंदा दिखा और मैं काफी डैमेज दिया बट मैं कहाँ पे डाउन हुआ और कहाँ पे फायर कर रहा था वो आप लोग को देख ही रहे थे बट मेरा नेट का प्रॉब्लम कुछ भी नहीं पता चल रहा था किधर किधर से मार रहा है बंदा एंड मैं किधर जा रहा हूँ। तो यहाँ पे भाई मेरे वजह से 2 राउंड हार जाते हैं। ये हारने वाले थे हम लोग जो कि 3 राउंड सामने वाला प्लेयर का हो गया था एंड मेरा फ्रेंड जैसे ही डाउन हुआ मेरे को लगता है पीछे जाना चाहिए क्योंकि मेरा नेट भी फंस रहा था एंड मेरा फ्रेंड सब तो आगे था और मेरे को लगता है आगे जाने के बाद क्योंकि यहाँ पे मैं M14 चला रहा हूँ जो कि एक ही बार गोली मारा एक को डाउन कर दिया तो फटाफट करेक्ट राउंड कर लेता हूँ क्योंकि कोई ठीक नहीं भाई कहीं से मेरे को मार सकते। फटाफट मैं मेडिकेट करने वाला हूँ एंड यहाँ पे 3 vs 3 का हो जाता है जो कि मेरे को तो नहीं लगता हो पाएगा क्योंकि मेरे पास यहाँ पे M14 है और जैसे मैं सामने जाता हूँ मेरे को नहीं पता 2 प्लेयर आ रहा था सामने से जो कि मेरे को डाउन कर देता है एंड यहाँ पे डाउन करने के बाद 2 vs 3 का हो जाता है जो कि मेरे को तो नहीं लगने लगा था अब क्योंकि 0-4 से हारने वाले थे एंड देखते थे यहाँ पे मेरा फ्रेंड भी डाउन हो जाता है एंड लास्ट प्लेयर बाकी रहता जो कि काफी डैमेज दिया बट कुछ फायदा नहीं हुआ। यहाँ पे हम लोग 0-4 से हार जाते हैं एंड मेरा यहाँ पे स्ट्रिक भी टूट जाता है जो कि 7 का स्ट्रिक लगा पड़ा था मेरा। हमारा नेक्स्ट वाले मैच में जो कि मैच तो स्टार्ट हो जाता है लेकिन मेरा नेट ही नहीं आता जिसके कारण मैं कहाँ पे हूँ एंड लिटरली भाई मेरे साथ कितना गलत सीन होता है, मैं कहाँ पे आके मर गया। अब मेरे को तो नहीं पता कौन मार रहा है एंड बाद में पता चलता भाई मैं कहीं दूसरे जगह था जिसके कारण मैं मर जाता हूँ एंड कोई बात नहीं भाई मेरे यहाँ पे फ्रेंड सभी किल कर देता सबको जो कि हमारा 1 राउंड 1st राउंड हम लोग जीत जाते हैं। अब देखते थे यहाँ पे हम लोग का 2 राउंड हो जाता है एंड मैं यहाँ पे ऑग लेता हूँ जो कि बहुत दिन के बाद चला रहा हूँ और अपडेट के बाद तो चलाया ही नहीं हूँ एंड मैं सामने ही देख रहा था प्लेयर को कि प्लेयर दिखेगा मारूंगा बट मेरे को भी नहीं पता था कि पेजे से बंदे आ सकते जो कि मेरे को मार दिया एंड मेरा नेट भी चला गया था जिसके कारण मेरे को दिखाई नहीं बंदा किस साइड से आ गया था एंड यहाँ पे भाई 2 बंदे मेरा मर जाते हैं। देखते देखते मेरा फ्रेंड सब मर जाता है और हम लोग यहाँ पे 1 राउंड हार जाते हैं। नेक्स्ट वाले राउंड में जो कि हम लोग 3 प्लेयर थे एंड 1 प्लेयर रश कर दिया और देखते दोनों प्लेयर डाउन हो गया। लिटरली भाई मेरे पास वो हेल्थ नहीं है एंड कब मेरा नेट चाह रहा था तो पता ही नहीं चल रहा था कब मैं कहाँ पे हूँ। तो मैं अभी यहाँ पे मेरे पास थॉमसन है जो कि MX7 और सामने ही गया लेकिन भाई पीछे से कम मार दिया पता ही नहीं चला और लिटरली भाई ये जीता हुआ मैच हम लोग हार जाते हैं। यहाँ पे 2-2 का हो जाता है जो कि थोड़ा सा सही से खेलना पड़ेगा एंड यहाँ पे जैसे सामने आता हूँ एंड एक प्लेयर मेडिकेट ही कर रहा था जो कि काफी डैमेज दिया इसको तो डाउन कर दिया बट कुछ फायदा नहीं हुआ। इसका प्लेयर आ गया और इसको रिवाइव दे रहा था तो अपना फ्रेंड को जल्दी बोला यहाँ पे रश कर दो एंड रश किया ही ग्रेनेड जैसे किया भाई क्लियर ही यहाँ पे फिनिश हो गया एंड हमारा 1 राउंड और हो जाता है। अब थोड़ी देर बाद भाई हम लोग का 3-3 राउंड हो जाता है एंड फाइनल राउंड ये होने वाला है जो कि मैं ग्रेनेड करता हूँ एंड वहाँ पे सारा फ्रेंड था बट यहाँ पे एक ही प्लेयर डाउन होता तो फटाफट मैं फ्लैश फेंकता हूँ क्योंकि फ्लैश से वो फिनिश होने वाला था बट फिनिश तो नहीं हुआ लेकिन हाँ डैमेज तो बहुत ज्यादा लगा बट कुछ फायदा नहीं हुआ। तो फटाफट मैं रश करने वाला हूँ जो कि मैं सामने गया एंड मेरा फ्रेंड सब भी जा रहा है एंड देखो मेरा किल नहीं हुआ भाई मेरा किल चोरी हो गया जो कि 3 प्लेयर हो गया तो अभी भाई थोड़ा चांस हो गया था हम लोग का बोया एंड जैसे मेरा फ्रेंड नीचे से चला गया मेरे को लगा था भाई जाना चाहिए उससे पहले मेरा नेट ही चला गया जो कि बहुत ही गलत सीन होने वाला है और मेरा फ्रेंड रश कर दिया जो कि 1 प्लेयर को डाउन करके नीचे कूद गया। अब वो तो नीचे चला गया लेकिन मेरा फ्रेंड 1 डाउन हो गया और मेरे को क्या यहाँ पे हो रहा है पता ही नहीं चला। नहीं डाउन होने के बाद मेरे को पता चल गया यहाँ पे क्या क्या हो रहा है। तो अभी तो 1 ही प्लेयर बाकी रह गया था जो मेरा फ्रेंड नहीं मार गया। फाइनली ये वाला मैच हम लोग का बोया दिलाया था एंड लिटरली भाई नेट इतना गलत जगह पे धोखा देता है क्या है बोलूं बट हाँ ये वाला मैच हमारा बोया हो जाता है। अब थोड़ी देर बाद में अगेन एक मैच स्टार्ट करता हूँ जो कि मेरे पास यहाँ पे फार्मस होता है और फार्मस से काफी तगड़ा वाला हेडशॉट एक को लगा एंड जिसे दोबारा से मारा भाई दोबारा से भी हेड लगा बट मेरे को दूसरे प्लेयर ने डाउन कर दिया एंड यहाँ पे मैं किल नहीं ले पाया। तो अभी तो मेरा फ्रेंड्स को बोल रहा था भाई 2 प्लेयर डाउन है मेरे को बचा लो बट कोई नहीं बचाया एंड मैं जैसे पीछे देखता हूँ तो भाई मेरे को लगता है हाँ पीछे से 1 प्लेयर आ रहा था जो शायद उसका नेट जा चुका था जो अभी आया एंड मेरे को बचाने के लिए शायद आया था। तो यहाँ पे मैं बच जाता हूँ लेकिन हाँ जिसको मैं डाउन किया था वो सब बच गया एंड मेरा फ्रेंड तो एक फिनिश हो जाता है एंड मेरे को नहीं लगता भाई इस बार हम लोग का राउंड होने वाला क्योंकि जिस टाइम चांस था उस टाइम तो हो नहीं पाया। बट मेरे पास यहाँ पे फार्मस है जो कि मेरे पास यहाँ पे MP5 भी मिल चुका है जो कि मैं नहीं चलाने वाला हूँ मैं फार्मस ही चलाने वाला हूँ। एंड जैसे उधर का 1 प्लेयर डाउन हुआ और 1 प्लेयर दिखा जिसको मैं बहुत ही गंदा वाला हेडशॉट मार दिया। हेडशॉट मारने के बाद मेरे को लगता है फिनिश लेना चाहिए बट उसके पास ग्लोबल था जो फिनिश नहीं लिया लेकिन हाँ उधर का 1 प्लेयर डाउन और हो गया। तो एक लास्ट प्लेयर बाकी रह गया था जो मेरा फ्रेंड जाता रश करने लेकिन वो खुद डाउन हो जाता है। वो डाउन होने के बाद मैं सोच ही रहा था मैं नीचे जाऊँ बट यहाँ पे मेरे को नहीं पता होता कि भाई नीचे मैं देख रहा हूँ एंड यहाँ पे बंदे आके मेरे को मार सकता है तो देखो अचानक आ गया एंड मेरे को डाउन कर दिया। अब 1 vs 1 का
टोन हो जाता है जो मेरा फ्रेंड एक अकेला बाकी रहता है एंड लिटरली भाई उसके पास शॉर्ट रेंज की गन है नहीं एंड मेरे को लगता है भाई हाँ ये राउंड हम लोग हारने वाले हैं जो कि चांस हमारे था बट मेरी गलती से ये हो गया जो कि मेरा फ्रेंड लास्ट था एंड यहाँ पे जैसे आया एंड इसको हेडशॉट मार के खत्म कर दिया एंड हम लोग का 0-2 हो जाता है। थोड़ी देर बाद हम लोग कुछ भी करके 2-2 का राउंड कर लेते हैं एंड यहाँ पे भाई मेरे फ्रेंड पे रश कर रहा था एक प्लेयर जो कि मेरे को दिख जाता है मैं यहाँ पे एसके चलाने वाला हूँ जो काफी डैमेज दिया इसको तो डाउन कर दिया। अब डाउन करने के बाद उधर ही सहारा प्लेयर चला गया था जो कि इस साइड कोई भी नहीं था। हम लोग यहाँ पे कवर होने वाले हैं जो कि दिखेगा बंदा मैं मारूंगा वही सोच रहा था एंड जैसे मैं गुलवाले फोड़ा वहां से बंदा भाग चुका था एंड वो एक रूम में चला गया था जो मेरे काफी डैमेज दिया बट हाँ वो प्लेयर दिख जाता है जो कि एक डैमेज दिया एंड वो छुप जाता है फिर दिखता ही नहीं बंदा एंड मेरे फ्रेंड पे रश करा जो कि मेरा फ्रेंड को डाउन भी कर दिया और यहाँ पे मैं सोच रहा था भाई मारूंगा बंदे को एंड काफी डैमेज दिया एक को फिर से एक को डाउन कर दिया। अब यहाँ पे 2 ही प्लेयर बाकी रह गया था जो कि एक वहीं पे था एंड डैमेज दिया कुछ हुआ नहीं बट हाँ वो बंदा आ गया अपने कवर में एंड यहाँ पे छत पे मैं कूदता हूँ जो कि सामने वाले प्लेयर मेरे को काफी डैमेज देता है। मैं फटाफट कवर में आया था मेडिकेट नहीं कर पाता हूँ तो मेरे को लगता भाई निकलना चाहिए बट यहाँ पे एक प्लेयर था बट यहाँ पे मैं बच जाता हूँ और मेरे पास लकीली ट्रोगन मिल जाता है जो कि फटाफट मैं आता हूँ एंड प्लेयर आता रश करने उसको मार देता हूँ एंड हाँ ट्रोगन में बहुत ही कम चला है आप लोगों को पता ही होगा और लास्ट प्लेयर बाकी रहता है और हम लोग 2 प्लेयर बाकी रहते हैं इस बार गलती नहीं करेंगे और हम लोग का 3 राउंड हो जाता है और उधर का 2 राउंड ही होता है। नेक्स्ट वाले राउंड में जो कि मेरा फ्रेंड सब बहुत ही बड़ी गलती करती है एंड मैं भी गलती कर लेता हूँ जिसके कारण मेरा फ्रेंड सब एक एक करके डाउन हो रहा था एंड लिटरली भाई एक ही टाइम पे 3 राउंड हो गया और फिनिश भी हो गया। मैं लास्ट प्लेयर बाकी रह गया था एंड मेरे पास ट्रोगन था कुछ कर नहीं सकता क्योंकि भाई मैं फर्स्ट टाइम बहुत ही दिन के बाद में चलाने वाला हूँ ट्रोगन भी बट यहाँ पे भाई काफी डैमेज दिया प्लेयर को एंड काफी फिर से डैमेज दिया इसको डाउन किया बट 2 प्लेयर था जो मेरे को मार दिया यहाँ पे 3-3 का स्पिन हो जाता है एंड बहुत ज्यादा डिफिकल्ट भी हो जाता है मैच हम लोग का होना। अब इस बार हम लोग का फाइनल राउंड होने वाला है जो कि उधर का एक प्लेयर मर गया था और यहाँ पे मेरे को डबल वेक्टर था जो कि एक को डाउन कर दिया एंड डाउन करने के बाद फिनिश ही ले रहा था और पीछे से बंदे आ जाते हैं जो कि मेरा फ्रेंड सबको रश कर रहा था एंड देखो मेरा फ्रेंड पे रश कर रहा जो मेरे को लगा भाई वहाँ पे बंदा नहीं है बट वहीं पे था उसको डाउन कर दिया एंड डाउन करने के बाद मैं करेक्टर ऑन करके इसको मारा बट हाँ उसको तो डाउन कर दिया लेकिन दूसरा प्लेयर आके मेरे को डाउन कर दिया जो कि नेट प्रॉब्लम होता बना मैं गुलवा लगा लेता। मेरा फ्रेंड एक आ रहा था रस करने जो कि 1-1 था एंड लिटरली ये हमारा मैच था जो कि मेरे को लग रहा था भाई जीत जाएंगे क्योंकि एक प्लेयर था उधर का बट रिवाइव हो गया और फिर से उसको डाउन कर दिया। अब डाउन करने के बाद फिर से उसको डैमेज लग गया जो कि ये वेट करने वाला है फिर से थोड़ी देर बाद उसको रिवाइव मिल जाता जो कि सामने प्लेयर था एंड काफी डैमेज देकर उसको डाउन कर दिया। डाउन करने के बाद उसका प्लेयर उधर हो गया था फ्रेंड जो कि काफी डैमेज दिया इसके ऐसे एंड लिटरली भाई हमें लगा हमारा मैच हो गया जो कि काफी डैमेज दे दिया था एंड उधर से जॉन भी आ रहा था लेकिन भाई किस्मत ही खराब क्या बोलूं मैं। देखो यहां पे एक ही प्लेयर था उधर का एंड काफी डैमेज दिया बॉट इसको भी डैमेज दे दिया एंड लिटरली वो थोड़ा सा गोली का बॉट इसको ही डबल शॉट मार दिया जिसके कारण हम लोग मैच हार जाते हैं एंड लिटरली भाई ये मैच हम लोग जीता हुआ मैच हम लोग हार जाते हैं। और हां दोस्तों यहां तो जो वीडियो देख रहे हो उसके लिए थैंक यू एंड आप लोग कमेंट करना मैं क्या चैलेंज नेक्स्ट वाले वीडियो में लाऊं जो कि बहुत ही मजा आता है आप लोग जो चैलेंज देते हो। तो भाई आज के वीडियो में इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में तो चलिए बाय बाय टेक केयर।